हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरिता क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को हम कॉमनली फेरा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये एक्ट पास आउट हुआ था हमारा 1973 में। और इस एक्ट के पास आउट होने का मेन जो पर्पज़ था वो था हमारा टू रेगुलेट फॉरेन एक्सचेंज, और जो भी फॉरेन रिज़र्व है हमारी कंट्री का उसको कंजर्व करके रखना, ठीक है। और इस एक्ट को अगर देखें तो जो एक्सपर्ट होते हैं वो एज अ ड्रेकोनियन एंड ऑब्नोक्शियस लॉ भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रूड, बहुत सख्त था, बहुत कह सकते हैं कि हिंदी में कह सकते हैं कि निर्दयी एक्ट था, जिसने कि हमारी जो भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी उसको एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन किया था, उस ग्रोथ पे एक कंट्रोल के रूप में आया था। तो इस वजह से इसको ड्रेकोनियन एक्ट भी कहा गया था, ठीक है। तो देखो, जब ये पास आउट हुआ था, इसके पास आउट होने का मेन रीज़न था फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करना, ठीक है। तो जब ये पास आउट हुआ था उस समय क्या कंडीशन थी, 1973 में ये पास आउट हुआ था, तब सेबी भी नहीं था, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसा हमें एक एक्ट चाहिए था जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट कर सके। मींस उस टाइम मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी की जो इंसिडेंस थे वो बहुत ज़्यादा हो रहे थे, ठीक है। अभी भी होते हैं। अब जबकि एक्ट है तब भी हो रहे हैं, उस टाइम तो कोई रेगुलेशन ही नहीं था, तो बहुत ज़्यादा होते थे उस टाइम। तो उसको रेगुलेट करने के लिए ही ये एक्ट पास आउट किया गया था। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? देखो, मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है कि हमारी कंट्री से जो भी ब्लैक मनी है बाहर जाती है, बाहर की कंट्री में वो वाइट मनी में कन्वर्ट होती है, और वहाँ से फिर दोबारा से ही हमारी कंट्री में इन्वेस्ट होती है। मींस हमारा ही पैसा हमें ही वापस किया जाता है अपना बना के। सो ये होता है हमारा मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए ही ये एक्ट पास आउट हुआ था। ओके, तो अब देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे। तो जैसा कि पता है कि फॉरेन एक्सचेंज को ही रेगुलेट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, उसमें ही जो भी सर्टेन पेमेंट्स होंगे जो फॉरेन एक्सचेंज के लिए इफ़ेक्टिव होंगे, उससे फॉरेन एक्सचेंज पे हमारा एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसको भी रेगुलेट करना। नेक्स्ट था कि हमारा जो भी फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग होती थी, सिक्योरिटीज़ की डीलिंग होती थी, लाइक हमारी करेंसी और फॉरेन करेंसी में जो भी डीलिंग होती थी और सिक्योरिटीज़ की डीलिंग होती थी, उसको भी रेगुलेट करना एक इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट था टू रेगुलेट ट्रांजेक्शन इनडायरेक्टली अफेक्टिंग फॉरेन एक्सचेंज। इसके अलावा जो कोई भी ट्रांजेक्शन इनडायरेक्टली हमारी फॉरेन एक्सचेंज को अफेक्ट कर रहे थे, उसको भी रेगुलेट करना। मींस सपोज एक एग्जांपल ले लीजिए कि कोई भी बाहर से कोई पर्सन हमारी कंट्री में आता है और वो यहाँ पे कुछ बिजनेस करके, या फिर या हम फिल्म इंडस्ट्री का एग्जांपल ले लेते हैं कि वहाँ से इस इंडस्ट्री में तो बहुत सारे बाहर से लोग आते हैं और यहाँ पे काम करके पैसे कमा के अपने कंट्री में वापस दे देते हैं। तो अगर कोई ऐसा बंदा आया फिल्म इंडस्ट्री में, उन्हें अपना काम किया और विदाउट एनी टैक्स पेमेंट उसने अपना जो भी पैसा है अपनी कंट्री में भेज दिया, तो फिर यहाँ पे किसका लॉस हुआ? यहाँ पे अपनी कंट्री का लॉस हुआ ना। तो इस लॉस को भी कम करने के लिए उस पे रेगुलेशन लगाया गया। यही जो ट्रांजेक्शन है जो कि इनडायरेक्टली हमारे इफ़ेक्ट कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज को, इसको भी रेगुलेट करने का प्रोसीजर इस एक्ट में था, ठीक है। नेक्स्ट था टू रेगुलेट फॉरेन कंपनीज। इसके अलावा फॉरेन कंपनीज़ को भी रेगुलेट किया गया कि भाई इतनी फॉरेन कंपनीज जो हमारी 40% से ज़्यादा का शेयर नहीं रख सकती हैं, मींस अगर उनके पास ज़्यादा शेयर कैपिटल है तो वो उनको डाइल्यूट करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा इस ऑब्जेक्ट एक्ट का ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे। नेक्स्ट हमारा टू रेगुलेट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ करेंसी एंड बेलियन के। इसके अलावा जो भी हमारी करेंसी और बिलियन का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता था उसको रेगुलेट करना होता था। जैसे इसमें जैसे हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं, तो एक सर्टेन लिमिट डिसाइड कर दी गई है करेंसी की, भाई इससे ज़्यादा आप नहीं ले जा सकते हैं।
ठीक है, तो वो लिमिट इसी एक्ट के थ्रू डिसाइड की गई थी। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा टू कंजर्व द फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री एंड टू यूटिलाइज द सेम इन द इन इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो यही था कि जो भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज थे उनको कंजर्व करना और उनको ऐसे यूटिलाइज करना कि जिससे कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा टू होल्डिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। तो जो भी हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी थी उसको रेगुलेट भी करना, मीन्स हमारे इंडिया के कोई भी पर्सन आउटसाइड इंडिया में कितनी प्रॉपर्टी रेगुलेट होल्ड कर सकते हैं उसको रेगुलेट करना भी इस प्रोसीजर में था, इस एक्ट में था। मीन्स अब इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी जो अर्थ से अटैच रहती है, मीन्स इसमें हम बिल्डिंग आ सकती है, फेरीज आ सकती हैं, फिशरीज आ सकती है और उनसे जो रेंट आता है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये एक इस एक्ट में एक रेगुलेशन पास आउट किया गया था कि भाई हमारी कंट्री के पर्सन बाहर इंडिया में इतने अमाउंट तक ही इमूवेबल प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा टू रेगुलेट एक्विजिशन होल्डिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया बाय नॉन रेजिडेंट्स। ओके, इसके अलावा जो भी नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं जो बाहर कंट्रीज में रहते हैं वो हमारी कंट्री में कितना प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं उस पर भी एक लिमिट डिसाइड कर दी गई थी, क्योंकि रह तो वो बाहर रहे हैं, अगर हमारी कंट्री में वो प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे तो रेंट कहाँ जाएगा, रेंट तो उनकी कंट्री में जाएगा, हमारी कंट्री में तो रहेगा ही नहीं, जो भी उनको बेनिफिट होगा तो वो सारा का सारा उनकी कंट्री में जाएगा ना, तो इसलिए उसको भी रेगुलेट कर दिया गया कि भाई सर्टेन अमाउंट सर्टेन लिमिट तक ही आप यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव थे हमारे फेरा के। नेक्स्ट स्लाइड में हम फेमा पढ़ेंगे, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय।